फ्रेंड्स, आप सभी को रंजना मिथिला किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैंने बनाया है बिहार का रेसिपी ओल का चोखा। तो चलिए देखते हैं ओल का चोखा बनता कैसे है। आधा केजी ओल लिया है और इसका छिलका निकाल करके अच्छे से साफ कर लिया है पानी में। अब हम इसे उबाल लेते हैं। काफी लोग इसे सूरन भी बोलते हैं। अब हम इसमें पानी रखेंगे। पानी हमें इतना ही रखना है ओल के ऊपर में रहे पानी। अब हम इसे उबाल लेते हैं। दो सीटी आने के बाद में गैस को मैंने बंद कर दिया है और ओल अच्छे से पक गया है। देखिए कितना अच्छा सा पका है और सॉफ्ट भी हो गया। अब मैं इसे छन्नी में निकाल लेती हूँ। छन्नी में मैंने निकाल लिया है और इसका पानी अच्छे से निकलने के बाद में फिर इसका हम चोखा बनाएंगे। ओल को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। चोखा में तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है सरसों का तेल। थोड़ा सा सरसों का तेल रखेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें रख देते हैं जीरा। थोड़ा सा जीरा है और थोड़ा सा अजवाइन मिला लें इसे। और हम इसमें रखेंगे कटा हुआ लहसुन। पतला पतला मैंने इसे काट लिया है और लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें रख देते हैं हरी मिर्च। दो हरी मिर्च ऐसे मिला लें। अब हम इसमें रख देते हैं 1 पिंच हींग। अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप ना रखें। चोखा अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें हल्दी पाउडर। इसको मिला ले। अब हम इसमें रखेंगे ओल को रख देते हैं। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं इसमें रख देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1 नींबू का रस लिया है मैंने, इसे भी मिला देते हैं। और थोड़ा सा धनिया का पत्ता रख करके हम इसे अच्छी तरह मिला ले। चोखा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा चोखा बनके तैयार है। फ्रेंड्स, ओल का चोखा बनके तैयार है। आप भी अपने घर में बनाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कैसा बना।